जीवन लीला हम गैया ने चराख रहे और जीवन लीला क्या करे, ग्वालिया आए हम पहले। अच्छा, आपका गृहस्थ मतलब घर परिवार? नहीं नहीं, घर घर शादी फादी कुछ नहीं है। शादी आपने नहीं की, ब्रह्मचर्य जीवन अपना? राधे राधे। जो भारत भूमि है, संतों की भूमि है, इन्हीं संतों की वजह से जो है हमारा सनातन धर्म आज भी योगो युगांतर तक से जो है आज तक चला आ रहा है। तो इसी बात को जो है हम साधु महाराज के मुख से जो है जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कैसे इतने युगों से साधु संतों के द्वारा जो है इस सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार और इस जो सनातन धर्म को आगे तक लिया जा रहा है। और हम आपको जो है साधु संतों के दर्शन करा रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में आज एक और संत के दर्शन कराएंगे जो कि हम यहाँ पर हैं सुनहरा की कदम खंडी के नाम से इस स्थल को जाना जाता है। यहाँ पर महाराज जी हैं जो कि यहाँ पर इस कदम खंडी की देख रेख और कहें तो यहाँ की पूरी जिम्मेवारी रखते हैं। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं। राधे राधे बाबा। सर्वप्रथम महाराज जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम छोटा सा संतन का गुरु महाराज दिया, छोटा सा नाम लक्ष्मण दास। आपको महाराज जी जैसे कि यहाँ शुरू से ही बचपन से ही हैं या कहीं पहले? बचपन से तो नहीं, झूठ नहीं बोल से हम हरियाणा रहते हैं। जब पहले आप हरियाणा से थे, मतलब जन्म स्थली आपकी हरियाणा थी? ब्रज की है। अच्छा, ब्रज की जन्म स्थली है, हरियाणा में पहले रहते थे। पर नागा बाबा की ऐसी कृपा हुई अपने यहाँ पर ला लिया, कोई हत नहीं है जब। अच्छा, कितने समय से महाराज जी आप यहाँ पर रह रहे हैं, जो सेवा भाव यहाँ पर है? हमने तो 8-10 साल हो गया, 8-10 साल हो गया, 8-10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। महाराज, हमारे भक्तों को थोड़ा सा ये बताएं कि संत जो शब्द है उसका महत्व क्या होता है, या संत वास्तविक में किसे कहा जाता है, उसकी थोड़ी परिभाषा हमारे भक्तों को जो है चैनल के माध्यम से बताएं। संत की परिभाषा तो ये, अपना भगवान का नाम लो, किसी का कोई भगत आता है तो बुरे काम से मना करो, अपने शीतल जैसे रहना चाहिए, अपने कोई कछु करो, कोई कर रहा तो अपने लिए कर रहा है, कोई हो संत ले लिए क्या कहने, कोई मतलब लड़ता ना झड़ता कोई कुछ हो उसके लिए, भगवान के होश में रहता है। सरल भाषा में कहें तो एक संसारिक जो काम है उन सब से बिल्कुल छोड़ छाड़ के अपने प्रभु के ध्यान में लीन रहे, प्रभु के ध्यान में जीवन लीला। हम गैया ने चराख रहे और जीवन लीला क्या करे, ग्वालिया आए हम पहले। अच्छा, आपका गृहस्थ मतलब घर परिवार? नहीं नहीं, घर घर शादी फादी कुछ नहीं है। शादी आपने नहीं की, ब्रह्मचर्य जीवन अपना? हाँ, अब ठाकुर जी की कृपा आएगी तो हम ठाकुर जी के चरणों में ले लिए उसकी, तो मतलब की साधु जीवन में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, भगवान के नाम में आनंद दिया। ऐसा महाराज जी आपके साथ कोई आभास हुआ हो ठाकुर जी को लेकर के, नागा बाबा को लेकर के, कि आपका साक्षात्कार कभी ऐसा हुआ हो थोड़ा बहुत? ये तो साक्षात स्वयं भगवान एक तरह की लीला है, उनके दर्शन वगैरह नागा बाबा हुए, नागा दर्शन तो अब पूछे जाते हैं साधु वेश में, साधु वेश में दिए भगवान ने दर्शन, मतलब दर्शन हो चुके हैं। हाँ, ऐसा दर्शन ठाकुर जी कृपा होती है जब उसकी। तो महाराज, ये जो स्थान है कदम खंडी से कहा जाता है, तो क्या आज भी इस स्थान पर कदम के पेड़ यहाँ इस जंगल में आज भी मौजूद हैं? एक कम पेड़ रह गए कदम खंडी के, पुराने पेड़ हैं अब। अच्छा, और नए नए लग रहे हैं, लगा रहे भगत जगत जैसे। तो यहाँ कुछ पेड़ आज भी मतलब ऐसे मौजूद हैं कि जो उसी समय के? हाँ, मौजूद है, बड़े बड़े पेड़ है, वो खड़े कुंडार, वो भगत सब पटारी कुंड है, कृष्ण कुंड है, तो उसी राश मंडल है, उसी समय के हैं जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ आए थे। लीला करी कुंडा पर कदम है वो जी, आसन है कृष्ण भगवान को, बंसी बजा करे। अच्छा, कुंड है वहाँ, पटारी कुंड है, कृष्ण कुंड है, तुम्हारा जैसे कोई कुंड बनी रहा है। भक्त यहाँ जैसे आते हैं दूर से, कुछ भक्त से यहाँ कदम खंडी काफी जो है फेमस जगह है, तो यहाँ कुछ भक्त जैसे आते हैं और कभी जैसे कोई भक्त यहाँ आने में लेट हो जाता है, तो यहाँ जैसे इस आश्रम पे रुकने की व्यवस्था, या कोई भक्त जैसे रुकना चाहे? हाँ, एक दो ज्यादा तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत है जाती है हमें। अच्छा, कुछ भक्त रुकते हैं जैसे यहाँ के? हाँ, कभी रुक जाते हैं। और यहाँ ऐसा सुना है हमने कि मेला भी लगता है यहाँ? मेला लगता है, खूब तरह भादो 24 का रहता है। अच्छा, भादो के महीने में 24 के दिन मेला लगता है यहाँ पर?
हमारे बरसाने से लीला चलती है सब, वही बूढ़ी लीला है। बरसाना की जो बूढ़ी लीला होती है उसके बाद में यहाँ लीला चलती है। हाँ, जो राधाष्टमी के समय मेले लगते हैं वही समय खत्म है हो जाती। अच्छा, सबरे पर यहीं पूरा गोबर मेला, कदम खंडी पे आखिरी मेला होता है, बूढ़ी लीला होती है। बूढ़ी लीला होती है जी महाराज, रास होता है, भगवान आते हैं, पद सुनाते ठाकुर जी बात है। तो भक्तों, आपने जो है यहाँ इस कदम खंडी का जो है रहस्य जाना और साधु संत का जो महत्व है वो जाना। साधु की जमात आती है, साधु की जमात, जमात मतलब कि ऐसे क्या होता है? यहाँ साधु के भोजन होते हैं, नागा बाबा की जमात आती है, नागा बाबा की जमात आती है, परिक्रमा उसकी चलती है, जो ग्रुप सा जैसे हाँ इकट्ठे संत जो है संत आते यात्रा करते हुए नहीं जमात आती है। अच्छा, जमात बहुत आती है यहाँ, वृंदावन से आती है, नागा बाबा की आती है। अच्छा, हाँ, किस समय में ऐसा कोई समय? कुदरत भादर चौदह को आवेंगे, एक दशहरा को आती है। अच्छा, और आती जाती रहे तो आश्रम धर्मी आश्रम है। तो जो आप बता भूमि थे, भूमि ही थे मान ले एक तरह जी। तो उस समय लगभग कितने साधु जो है यहाँ कर कुछ वैसे परेशान हो तो नेक रज लगा लेना, ब्रिज रज लगा लेना, सही हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे उस समय मम्मी कृष्ण भगवान ने लीला करी है। उस समय लगभग यहाँ कितने साधुओं के दर्शन हमें हो जाते हैं? उस समय तो बहुत बड़े बड़े दर्शन होते हैं जमात में, लगभग कुछ गिनती उनकी 250-300-400-500 साधु आते। अच्छा, एक बार में पंगत होती है मेरे लिए। एक छोटा सा सवाल ये था, जैसे कि घर परिवार चलाने के लिए, जैसे कि हम मान के चलिए मेरा घर है तो उसको चलाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत होती है, कोई किसी ना किसी को नौकरी करनी होती है, व्यवसाय करना होता है, तब घर का खर्चा चलता है। तो यहाँ पर इस स्थल पर मतलब कि ये एकांत ही है, एकांत में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि यहाँ पर पैसों का या ऐसा कुछ हो, जिससे कि इतने 250-300 जितने भी साधु महाराज हैं उनके भोजन का प्रबंध हो, तो भोजन का प्रबंध कैसे किस तरीके से किया जाए? सब ठाकुर जी करता है, भगत जगत कर देते हैं आप भक्तों के द्वारा यहाँ से। हाँ, भक्तों से दर्शित कामा से भगत आ जाते हैं, कामा वाले कर देते हैं और आ जाते हैं, सब तरह के करते हैं। सरकार कोई भी नहीं, कोई कैसी सुविधा नहीं, कोई टैक्स फैसला कोई सुविधा नहीं सरकार के लिए। इधर नागा बाबा की कृपा से चल रहा है, वही चला रहे हैं आप, बिल्कुल संतों की कृपा ही है। हाँ, और किसी का नहीं है। तो जैसा अभी आपने जाना महाराज जी के बारे में, और यहाँ पर जो साधु संतों के दर्शन होते हैं, जो महाराज जी ने बताया कि साधु संतों की जमात आती है, जहाँ पर भोजन भी यहीं इसी स्थल पर महाराज जी को कराया जाता है, और भी ऐसे ही जैसे कि साधु संतों के दर्शनों को करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो कि अस्थाई रास्ता चैनल पर आप जो है लगातार ऐसे ही साधु संतों के दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। जलेबी का भोग, दही जलेबी का भोग, अच्छा दही जलेबी का भोग, अच्छा नागा बाबा का भोग खुशी है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सही वक्त असली के हमें भोग लगाते जलेबी का, दही जलेबी।